माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंडे दिए हुए हैं फीमेल ने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आपको पता है कि हमारे बजीज ने माशाल्लाह इस दफा बहुत ही अच्छी ब्रीड की है। बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट से इनके बेबीज निकले हैं और बहुत से पेयर्स ने अंडे भी दिए हुए हैं। तो मैंने आपको काफ़ी टाइम से बोला हुआ है कि मैं आपको इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस की एक मुकम्मल वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको इनके बच्चे दिखाऊंगा, इनके अंडे दिखाऊंगा। और उसके साथ ही आपको याद होगा कि हमने यहाँ से कुछ एग्जीबिशन पेयर यहाँ पे छोड़े थे ताकि वो ब्रीड कर सकें अच्छे से। तो उस दिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था बट मुझे वो मिले नहीं थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वो पेयर अंदर हैं भी हैं या नहीं, या क्या वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। और उसी के साथ मैं आपको कुछ ब्रीडिंग टिप्स भी दूंगा कि अगर आपके पास बजीज रखे हुए हैं तो आप उनसे अच्छी ब्रीड किस तरह से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभी हम चलते हैं अपनी बजीज की कॉलोनी में, जहाँ पर माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 15 से 20 या 30 पेयर बजीज के रखे हुए हैं। और अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं इस ताले को खोल देता हूँ। सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ अपने बजीज की कॉलोनी में और हम डोली नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो माशाल्लाह यहाँ पे 4 अंडे पड़े हुए हैं और उसकी जो फीमेल है वो अंडों पे बैठी हुई है। उसके बाद हम दूसरी डोली देखते हैं, ये खाली है। तीसरी डोली में एक अंडा पड़ा हुआ है। अब पता नहीं ये अंडा जो है वो फर्टाइल भी है या नहीं, सो इसको हम लास्ट में चेक करेंगे। बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह 5 अंडे पड़े हुए हैं, बल्कि 6 अंडे हैं और इसके ऊपर जो है ना फीमेल बैठी हुई है। अब मुझे लगता है कि ये जो अंडे हैं ये फर्टाइल होंगे क्योंकि इनका कलर जो है वो लाल हो चुका है, सो हम ये भी चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 अंडों पे बैठी हुई है फीमेल और ये अभी और भी अंडे देगी। इसके जो झोल है ना वो बनी हुई है तो मुझे लगता है 2-3 अंडे और देगी ये। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कुछ डोलियों में बच्चे भी निकले हुए हैं, तो वो बच्चे भी मैं आपको दिखाऊँगा। सो गाइस यहाँ पे माशाल्लाह 3 अंडे हैं और फीमेल जो है वो ब्लू कलर की आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। नीचे वाली डोलियाँ ज़्यादातर खाली हैं, ऊपर वाली डोलियों में माशाल्लाह इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे सब डोलियों में बच्चे हुआ करते थे। सो गाइज अभी डोलियाँ ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे बहुत सी डोलियाँ पड़ी हुई हैं जहाँ पे इन्होंने ब्रीड की हुई है। सो मैं आपको बाकी डोलियाँ भी दिखाता हूँ और साथ ही जो बच्चे बड़े हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहले छोटे छोटे होते थे इन डोलियों में 4-4, 5-5 बच्चे, वो माशाल्लाह बाहर निकल चुके हैं, तो उनकी भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो यहाँ पर ये बड़ी डोलियाँ हैं, ये हमने ऐसी रखी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो अभी हम इस डोली से शुरू करते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह देख सकते हैं आप 5 अंडे पड़े हुए हैं और ढक्कन में उठा देता हूँ हल्का सा, आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखें 5 अंडे के ऊपर ये फीमेल माशाल्लाह बैठी हुई है। इंशाल्लाह इसके बच्चे बहुत जल्द निकलेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मियों में ये ब्रीड थोड़ी सी कम कर देते हैं, बट माशाल्लाह जिन्होंने स्टार्ट की हुई है उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी। और ये फीमेल 1 या 2 दिन के अंदर अंडे दे देगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें ज़रा, 2 बच्चे निकले हुए हैं और दोनों अभी अभी निकले हैं, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं। ये देखें ज़रा, अंडों के जो शैल है ना वो टूट चुके हैं और मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ, बल्कि मैं हाथ में नहीं पकड़ता, ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको नज़र आ गए होंगे। सो इसको मैं यहाँ पे ढक्कन रख देता हूँ। अभी तक हमें जो है ना 2 ही बच्चे देखने को मिले हैं। सो गाइज यहाँ पे देख लेते हैं, 1 अंडा बाहर पड़ा हुआ है और फीमेल जो है वो अंडों के ऊपर बैठी हुई है। सो यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे 2-3 अंडे और माशाल्लाह फीमेल के अंडे जो है ना वो थोड़े लंबे लंबे हैं, सो बच्चे भी इनके थोड़े बड़े होंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं, 1 अंडा पड़ा हुआ है और 2 बच्चे यहाँ पर हैं माशाल्लाह। गर्मी ज़्यादा हो गई है, ढक्कन हटा देना चाहिए, बट ढक्कन फिर भी हमने लगाया हुआ है कि जो हमारे तोते हैं ना वो इसके अंदर आदि हो चुके हैं ढक्कन के अंदर अंडे देने के। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके अंदर जालियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे माशाल्लाह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंडे यहाँ पे दिए हुए हैं और इसका पता नहीं पेयर कहाँ पे है, बाहर निकला हुआ है शायद। फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बट यहाँ पर इतना बड़ा अंडा पड़ा हुआ है, ये देखें ज़रा, ये किस चीज़ का अंडा है, मेरे हाथ में आते ही टूट गया। इतना बड़ा अंडा बजीज का तो नहीं हो सकता, पता नहीं किस चीज़ ने दिया, किसी चिपकीली चिपकीली ने के आके तो नहीं दे दिया, अल्लाह जाने किसने अंडा दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे माशाल्लाह बैठी हुई है फीमेल और हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अंडा देने के लिए बैठी हुई है। 2 या 3 दिन के अंदर ये मादी अंडा दे देगी।
सो अभी टाइम आ गया कि मैं आपको छोटे बच्चे दिखाऊं जो कि बाहर निकले हैं माशाल्लाह और बड़े हो चुके हैं। सो ये आपने सारी चीज़ देख ली, ये हमारी डोलियाँ लगी हुई हैं लाइन में कुछ इस तरह से, ये देखें, और कुछ डोलियाँ ये लगी हुई हैं माशाल्लाह। ये प्रॉपर एक कॉलोनी बनी हुई है बजीज की, इसके अंदर ये ब्रीड करते हैं अपनी मर्ज़ी से, खुश रहते हैं। और अभी मैं आपको पट्ठे दिखाता हूँ जो कि बाहर निकले हैं। सो एक पट्ठा बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ था ऊपर, अभी उड़ गया। ये देखें, नहीं ये फीमेल बाहर निकली है, पट्ठा ये देखें, ये वाला एक पट्ठा है, ठीक है, ये एक उड़ के जा रहा है सामने, ये वाला अभी उड़ के नीचे बैठ गया, ये एक पट्ठा है माशाल्लाह। उसके बाद ये ऊपर एक पट्ठा बैठा हुआ है, नहीं बल्कि ये पूरा मेल है, ये पट्ठा नहीं है क्योंकि इसकी आंखें जो है ना उसके बाल गिर रहे हैं, तो ये मेल है पूरा। जो पट्ठे होते हैं उनके फ्रेश जो है ना वो पर आए होते हैं, तो वो समझ आ जाती है कि वो पट्ठा है या बड़ा है। तो ये एक पट्ठा बैठा हुआ है ऊपर ग्रे वाला, ये एक और पट्ठा बैठा हुआ है। अभी मैं आपको टिप्स भी देता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपके बजीज भी अच्छी तरह ब्रीड कर सकें। ये भी एक पट्ठा लग रहा है मुझे। उसके बाद ये भी पट्ठा है माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें कितना अच्छा कंट्रास्ट आ रहा है माशाल्लाह से। आपने कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है, ठीक है। इनके कलर आप माशाल्लाह चेक करें। उसके बाद ये पूरा नर है, ये फीमेल है पूरी। और फिर कुछ पट्ठे यहाँ पे बैठे होंगे, ये देखें दरमियान में एक बैठा हुआ है, ये वाला ये पट्ठा बैठा हुआ है, ये बजरी पट्ठा है और ये मेरा फेवरेट है ये बजीर, क्योंकि ये ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने बच्चों की केयर बहुत अच्छी करते हैं। अगर इनकी डोलियों में आप हाथ डालें तो इनकी जो फीमेल होती है वो हाथ पे काटना शुरू कर देती है। सो इस लिहाज से बजीज बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ग्रीन कलर में जो आते हैं ना सबसे अच्छे वही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पट्ठे ऐसे भी हैं ना जिनके पर निकल आए हैं और माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, काफ़ी उनके मतलब लग रहा है कि वो मेल फीमेल के बराबर हो गए हैं और उन्होंने अपनी ब्रीडिंग भी जल्दी वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कॉलोनी का यही फ़ायदा होता है कि उसमें पट्ठे जल्दी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि हम इनको क्या दाना डालते हैं माशाल्लाह से, जिससे ये ब्रीडिंग थोड़ी अच्छी कर लेते हैं, क्या आप इनको दाना वगैरह डालते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनको हम नॉर्मल मिक्स दाना डालते हैं, मिक्स दाना अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाहर हमने रखा हुआ है, ये देखें ज़रा, ये अभी बाजरा है ना, इसके अंदर थोड़ी सी आपको कंगनी वगैरह नज़र आ रही होगी, ये गौर से देखें, कंगनी इसके अंदर मिक्स हुई है, ठीक है। ये कंगनी वाला हम इनके आगे दाना डालते हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं यूज़ करते हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से कभी बताऊंगा, और इंशाल्लाह और भी बच्चे निकलेंगे बहुत जल्द, काफ़ी डोलियों में जो है ना अंडे वगैरह पड़े हुए हैं, सो बहुत जल्द इनके इंशाल्लाह और ज़्यादा बच्चे निकल आएंगे, सो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ किसी एक बच्चे को लेके हैंड टाइम कर लूँ, बट मुझे कोई छोटा बच्चा नीचे नज़र नहीं आ रहा, सारे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। पहले जब मैं हैंड टाइम करने वाला था उस टाइम काफ़ी बीच में छोटे बच्चे थे, बट वो सारे अभी उड़ने लग गए हैं, तो अभी हैंड टाइम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सो ये, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, वो सामने जो हमारी डव्स है ना, वो उनके अंडे हमने उठा के ना उनके नीचे हमने पिजन्स के अंडे रखने, तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है। ये देखें एक और पट्ठा कहाँ गया, नहीं ये फीमेल है, ये अंडा देने के लिए बैठी हुई थी, मैंने आपको अभी दिखाया था शायद आपने देखा होगा, और ये पट्ठा बैठा हुआ एक, मतलब माशाल्लाह अच्छे पट्ठे हैं, बीच में काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, अभी समझ भी नहीं आ रही क्योंकि काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और हाँ, हमारा हेलीकॉप्टर का पेयर कहाँ पे है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, हमने अंदर छोड़े थे हेलीकॉप्टर बट नज़र नहीं आ रहे क्रस्टेड वाले। ये देखें एक एग्जीबिशन ये बैठा हुआ है, ये चेक करें, ये हमने बाहर से ला के अंदर छोड़ा है, ये देखें हेलीकॉप्टर फीमेल ये सामने बैठी हुई है, तो माशाल्लाह ये दोनों जो है ना यहाँ पर अच्छी तरह ये फ्लाइंग वगैरह कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्द ये ब्रीड कर देंगे इंशाअल्लाह। बाकी जो है ना यहीं पे होंगे सारे, और इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दिखाऊंगा इनकी। और ज़्यादा अगर आपको ये पसंद आई, आपने इसको लाइक किया, तो आपको और वीडियोज भी मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दो में आ जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।